पुराने यानी नॉस्टैल्जिक शोज बेस्ट थे। खिचड़ी, शकला का बूम बूम, सारा भाई वैसे सारा भाई, बेस्ट ऑफ लगने की, ये सब बेस्ट क्यों है? और ऐसे काफी चीज जिनके हम भूल चुके हैं भाई, कौन बताएगा? ऑफ कोर्स मैं, क्योंकि भाई ये तो मेरे जमाने के शोज है ना भाई। खिचड़ी हम सबको याद है, ये शो पूरा गुजराती फैमिली के ऊपर बेस्ड था, तो इनके फैमिली के अंदर जो डेली सिचुएशन होते वो भाई रिलेटेबल थे हमारे लिए, और भाई हम सबके फेवरेट दिशा वकानी जी भी इस शो में। नेक्स्ट है सारा भाई वैसे सारा भाई, जो भाई हम सबको काफी ज्यादा पसंद था। बेसिकली ये शो मिडिल क्लास और हाई क्लास के बीच का डिफरेंस दिखाता था कि भाई कैसे दिक्कतें होती है इन लोग को। ये शो जब स्टार्ट होता है इसको पॉपुलैरिटी बहुत ही कम मिल रही थी, बट रीरन करा गया और उसके बाद तो इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। ये शो वर्ल्ड के टॉप 50 बेस्ट शो के अंदर आ चुका है, वो भी 8 बार। भाई आप सबको बताया कि शाहरुख खान तो हमारा प्यार है, उनका भी एक टीवी शो था फौजी नाम से, मतलब वो फौजी वाला गेम नहीं, रियल फौजी वाला। बेसिकली ये शो आर्मी पे बेस्ड था, जिसमें मतलब भाई आर्मी को क्या क्या दिक्कतें होती है और उनको क्या क्या करना पड़ता है उसके ऊपर बताया जाता था। जैसे शो की और शाहरुख खान की स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि शाहरुख खान को इस शो में लिया गया था एक साइड रोल की तरह, जिसमें उनको सिर्फ कबूतर को चने देने होंगे, बट वो उसमें भी इतनी ज्यादा तगड़ी एक्टिंग कर रहे थे कि उनको साइड रोल से हटा के मेन रोल में डाल देते हैं। उसके बाद तो शाहरुख खान हम सबको पता है कैसे किंग बन चुके हैं। जैसे मैंने तो ये वीडियो लाइक कर दी, क्योंकि मैं शाहरुख खान का फैन हूं, अगर आप भी हो तो लाइक कर देना। यूनिक वे ऑफ इंक्रीजिंग लाइक्स। इस शो को रियल बनाने के लिए डायरेक्टर ने हर एक आर्मी का प्रोसेस रियलिटी में करवाया था, और ये तो हम सबको पता है कि शाहरुख का पहला टीवी अपीयरेंस यही शो था। उसके बाद इन्होंने गाने में आने लगे, फिर उसके बाद मूवीज आने लगे, उसके बाद शो टीवी शो, मतलब भाई फिर तो इन्होंने अपना प्रोडक्शन बना लिया। फिर भाई ये बर्नर्ड पे आए, मतलब वो फ्यूचर वाला प्रेडिक्ट कर रहा हूं। भाई नेक्स्ट शो ऑफिस, ऑफिस जो कि काफी ज्यादा फेमस हो गया था इंडिया में। बेसिकली एक भाई इसमें शो में बना था कि कैसे करप्शन किया जाता है, और ये देख के लोगों को काफी मजा आ रहा था, पता नहीं क्यों आ रहा था। और ये शो बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुका था, इनको हर एक दिन में एक एपिसोड शूट करना पड़ता था। नेक्स्ट वाला शो है जो हम सबको 110% पता होगा, वो है हीरो भक्ति ही शक्ति। क्या मस्त शो था यार, हीरो की क्या बात है, माँ दुर्गा इसके साथ है, दुश्मनों सब खबरदार। हमारे जैसे बच्चा रहता है नू भाई, उसको माता जी का आशीर्वाद मिल जाता है, और भाई वो तो मतलब भाई सबकी जान बचाता है। ये शो हम सबको याद तो है, बट इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था भाई, बट जिन जिनको याद था भाई इसके ट्रू फैंस थे। आप बताना आपको ढोलू पसंद था या फिर बबली। ये शो हंगामा टीवी पे आता था, और भाई हंगामा टीवी पे तो एक और चीज आती थी, पावर रेंजर तो सबको पता था। वैसे बेसिकली मेरा कैसे पता था, हम सब कजन बैठते थे तो हमने लगा था भाई ब्लैक वाला रेंजर मैं बनूंगा, ये वाला रेंजर ये बनेगा, ये वाला रेंजर ये बनेगा, तो ऐसे रियल देख के भाई तूने मारा तूने मारा। बट भाई द नेशन वांट्स टू नो, भाई जो एसपीडी में बंदा था जो कुत्ते की तरह मुंह था, हेलमेट पहनते ही मुंह छोटा कैसे होता था। और ऐसे काफी ज्यादा शो जैसे कि शक्तिमान में, शक्तिमान किसको नहीं पता भाई, शक्तिमान तो बहुत ज्यादा फेमस भी वीडियो भी बनाई है हमने। उसके बाद आता है हम सबका फेवरेट हातिम। हातिम के अंदर जो VFX हुआ करता था वो उस टाइम का बेस्ट VFX था, वो किसी शो में नहीं होता था। और ये उसी जगह शूट हुई जहाँ पे रामायण शूट हुई थी। उस टाइम जो इनकी कॉस्ट्यूम थी भाई वो बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी की थी, और ऐसे कॉस्ट्यूम कोई और शो नहीं लेके आ रहा था। बट इनके पास इस शो में 7 सवाल थे भाई, जो हम सबको काफी ज्यादा याद होंगे। जैसे मैं एक बोल रहा हूँ, बाकी के आपको लिखना होगा। मुर्गी के अंडे के समान मोती का राज ढूंढना, ढूंढो सर ढूंढो। फिर कोई है भाई, ये शो देखने में मेरे को बहुत डर लगता था, क्योंकि भाई ये आता था रात में, और भाई ये पूरा अंधेरा करके टीवी शो मेरे को मेरे कजन दिखाते थे, और भाई मेरे को तो इतना डर लगता था। उसमें जो भाई वो कढ़ाई होती थी, इसमें गरम गरम तेल रहता था। वैसे शो स्टार्टिंग हुआ था भूतों को पकड़ने के ऊपर, पर फिर बाद में इसमें विकराल और घबराल आ जाते भाई। भाई ये वही विकराल घबराल है जो इतने से छोटे से शीशे में भूत को पकड़ लेते। भाई नेक्स्ट है श्रीमान श्रीमती, मतलब भाई ये बेसिकली हस्बैंड वाइफ का शो था। इससे इंस्पायर होकर फिर से एक बार इनको निकालना पड़ा भाभी जी घर पर नाम से, ओरिजिनल इज ओरिजिनल। इसकी एक और कॉपी भी आई थी जिसका नाम था आज के श्रीमान श्रीमती, और इसमें भाई जेठालाल जी भी थे, बट वो शो फ्लॉप हो गया, क्योंकि दिलीप जोशी बने ही जेठालाल के लिए। भाई सोनी चैनल जब स्टार्ट हुआ था उसका सबसे वन ऑफ द फर्स्ट शो था आहट, और भाई आहट बहुत डरावना था। ये भाई CID के बाद आता था रात में 10:30 बजे, और इसको देखने का मन तो नहीं होता था बट देखना पड़ता था, वरना बोलेंगे सब डरता है। ये शो स्टार्ट से क्राइम थ्रिलर हुआ था, मतलब CID की तरह, बट फिर बाद में जाके भूतों का शो बन जाता है। और एक बार तो भाई CID का और इसका दोनों का कोलैब भी होता है, जिसमें अपने फ्रेडी जी भाई भूत की तरह दिखते हैं। इस शो के पीछे एक तगड़ी स्टोरी है। बेसिकली उन्होंने एक एपिसोड किया जिसमें हॉन्टेड हाउस था, तो उन्होंने उसके लिए रियल हॉन्टेड हाउस में जाने का ट्राई किया, तो भाई वहां पे इन्होंने शूट किया। बट उसके बाद इसके जो एक्टर्स थे भाई उनको अलग ही तरीके की आवाज आने लग गई थी, इसलिए उनको ये एपिसोड ही खत्म करना पड़ा और नया एपिसोड बनाना पड़ा पूरा फेक हॉन्टेड हाउस में। आहट वालों को सच में आहट आ गई थी भाई। ऐसे काफी ज्यादा शो है जैसे कि मालगुड़ी डेज, हम 5, भाई शरारत को कौन भूल सकता है, और ऑफकोर्स करिश्मा का करिश्मा, बेस्ट ऑफ लक निकी भाई ये शो, और रात में अलग से मैगी बना के खाओ 11 बजे। सूट लाइफ ऑफ करण एंड कबीर, भाई ये तो सबको पता था, और उससे भी तगड़ा फैक्ट बताता हूँ भाई, ये जो शो था तन्मय भट्ट ने लिखा था भाई, तन्मय भट्ट जी ने भी काफी तगड़े शोज लिखे। बट सबसे लास्ट में आता है और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे प्यारा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, मजाक कर रहा हूँ, उससे भी पुराना शकला का बूम बूम। भाई शकला का बूम बूम स्टार उत्सव पे आता था, और भाई क्या प्यारा शो था। वो पेंसिल हम सबने खरीदी बट मेरे को तो कभी मिली नहीं है, मैंने बोलता था मम्मी पापा को मिलती नहीं थी मुझे, बट मेरे को ड्रॉइंग काफी ज्यादा अच्छी आती थी। इस शो के जो डायरेक्टर है उन्होंने भाई धूम सीरीज भी डायरेक्ट किया। वैसे ये शो पहले DD नेशनल पे आता था, बट
सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, शकलाका बूम बूम ने फ्यूचर प्रिडिक्ट कर दिया था। इसमें एक एपिसोड था जिसमें ये लोग 2022 में जाते हैं और उसमें ये लोग दिखाते हैं कि भाई एक आधार कार्ड टाइप एक कार्ड होता है, आइडेंटिटी कार्ड होता है, फिर भाई एक कार होती है जिसमें बिना ड्राइवर के कार चल जाती है, फेस आईडी होती है और आयरस स्कैनर होता था भाई। 2022 में ये सब इन्वेंट हो चुके थे, तो भाई शकलाका बूम बूम ने तो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर दिया। सबसे इम्पोर्टेंट, ये शोज बेस्ट क्यों थे, इसके रीजन काफी इजी में बताता हूँ। सबसे पहला, इन शो को कभी ज्यादा स्ट्रेच नहीं किया जाता था। एग्जांपल खिचड़ी में जब सब चीजें ठीक होने लग गई तो वो शो में कुछ बचा नहीं था ज्यादा, इसीलिए उस शो को बंद कर दिया गया इन्होंने। दूसरा है यूनिक कॉन्सेप्ट, एग्जांपल गुटुरगु का ले लो भाई। ये शो ऐसा था कि साइलेंट था बट स्टिल एट द सेम टाइम फनी भी था, पर ये लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता था। और जैसे कि एग्जांपल सारा भाई वर्सेस सारा भाई, ये हर एक बंदे की लाइफ की स्टोरी है भाई। थर्ड है लॉजिकल राइटिंग, बेसिकली भाई इसकी जो शो की राइटिंग होती थी वो काफी ज्यादा रियल होती थी, इसलिए लोगों को लगता था भाई हाँ भाई इसकी जो सेम लाइफ है मेरी तरह। पुरानी जो कास्ट होती थी भाई वो एक्टिंग पे बेस होती थी, ना कि उनके लुक्स पे। और भाई फिफ्थ है, जब ये शोज आया करते थे तो दूसरे लोगों के पास कुछ और चीज नहीं थी देखने के लिए, उनके पास सिर्फ एक टीवी था जहाँ पे एक ही बार एपिसोड आएगा, बाद में बहुत ही कम चांसेस उसके रिपीट होने के। और एक बेस्ट चीज है कि भाई जब ये शोज आया करते थे तो उस टाइम लोगों के पास और कोई दूसरी चीज नहीं थी, जैसे कि फोन, थिएटर बहुत महंगा था। आजकल के दिन में अगर हम यूट्यूब पे कुछ देखते हैं तो वो हमको ज्यादा याद रहता है। एग्जैक्टली इन फ्यूचर जाके हमको यूट्यूब की चीजें याद रहेगी। और भाई सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट, ये सभी शोज हमको कुछ सिखाते भी थे। हातिम से हमने ब्रेवरी सीखी, आहट से हमने ये सीखा कि भाई अकेले कहीं नहीं जाने का, शक्तिमान से ये सीखा कि भाई योगा तो बेस्ट है। पुराने शो जो टीवी पे आते जो एचडी पे नहीं होते, मतलब 480p 360p क्वालिटी में, वो बेस्ट था यार। ये नॉस्टैल्जिक शोज इतने ज्यादा बेस्ट हो चुके हैं कि भाई जैसे कि Amazon Prime, Hotstar, Netflix, इन सभी लोगों ने पुराने शोज अक्वायर कर लिए और काफी तो नए नए शोज भी आ रहे हैं, जैसे कि तकेशी का फिर आ रहा है, शक्तिमान फिर आ रहा है, शकलाका बूम बूम एक जगह स्ट्रीम होना स्टार्ट हो चुका है। मतलब भाई डिमांड तो है। आप बताना आपका कौन सा फेवरेट शो था इस 10 में से, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ढोलू करण और यहाँ बैठे मुर्गी के अंडे के समान, ऐसे तो आ गया विलेज। सुनो मुझे कुछ मैना है। अरे सुन भी लो, चलाओ ना नैनों से बाण, जान ले लो ना जान रे। मुर्गी के अंडे के समान मोती का राज ढूंढना है, ढूंढो जाके। मुर्गी के अंडे के समान मुर्गी का राज, मतलब क्या था।